नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर का रिजेक्ट वाटर कुछ भी नहीं आ रहा है, एक बूंद भी नहीं आ रहा है रिजेक्ट वाटर। ये देखिए फिल्टर चालू है और यहाँ देखिए ये जो पानी है ये भी चालू है, इसका जो इनपुट वाटर है और रिजेक्ट वाटर देखिए थोड़ा भी नहीं आता है, रिजेक्ट वाटर थोड़ा भी नहीं आता है। ये जो पीपी स्पन है ना, इसको चेंज करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कस्टमर का कहना है। तो ये जो प्री फिल्टर है ये चेंज करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन दूसरा कुछ तो प्रॉब्लम होगा। देखेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक बूंद भी नहीं आता है, देखिए तो क्या हुआ है, इसको खोलने के बाद ही समझ में आएगा इसका पानी क्यों नहीं आ रहा है, वाटर क्यों नहीं आ रहा है। जो रिजेक्ट वाटर है यहाँ से पानी इन होगा, इस टंकी में जाएगा और इस टंकी को हम या फिर फिल्टर को बंद कर देते हैं और इसके जो स्क्रू है, जो ढक्कन के स्क्रू है, तो ये खोल देंगे और इसको खोल के अंदर देखेंगे हम कि आखिर में क्या हुआ है। प्योर वाटर आता है ऐसा उनका मानना है, लेकिन फिल्टर भरने में भी टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी फिल्टर चेक करेंगे, क्योंकि प्योर वाटर आता है लेकिन टैंक भरने में बहुत देर लगती है, ऐसा कहना है उनका। तो देखेंगे कि जो सभी फिल्टर्स है तो ये ओके है या नहीं है, वो चल रही है या नहीं चल रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और अगर सभी फिल्टर्स ओके है तो हमारा जो रिजेक्ट वाटर का प्रॉब्लम है तो ये हम सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से पानी इन होगा नीचे, ये देखिए यहाँ से जो नीचे वाला बॉडी कनेक्टर है वहाँ से पानी इन होगा और यहाँ से पानी घूम के यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर वाला रिजेक्ट का है और ये नीचे वाला पानी इन हुआ है, वहाँ यहाँ तक आया है। ये देखिए एस वी तक हमें चेक करना पड़ेगा, मुझे एस वी के ऊपर सबसे ज़्यादा शक रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वाटर कनेक्शन ऑफ कर देंगे। ये देखिए वाटर कनेक्शन ऑफ करने के बाद एक एक फिल्टर चेक करना पड़ेगा हमें, मतलब पहले प्री फिल्टर चेक करेंगे, दोनों एक साथ किया तो चले कोई बात नहीं है। तो ये देखिए पानी चालू कर देता हूँ, देखिए इसका थ्रो, देखिए वाटर का थ्रो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये इसका जो लेंथ है थ्रो का, तो इसका कोई जोड़ नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। तो इसको जोड़ देते हैं अपने वाटर प्यूरीफायर में और यहाँ से पानी इन हुआ है देखिए, और ये पानी आया है अपने सेडिमेंट फिल्टर में, मतलब पीपीएफ में आया है ये देखिए, और यहाँ से पानी आउट हो गया है सीधा पीपीएफ से, पीपीएफ से पानी आउट हो गया है। ये जो आउट हुआ है ना, तो वहाँ लगाएंगे एक पाइप लगाएंगे और पहले पीपीएफ को चेक करेंगे। पीपीएफ मतलब सेडिमेंट फिल्टर, इतना ध्यान में रखिएगा। और ये चालू कर दिया पानी और ये देखिए इसका भी थ्रो बहुत ही बेहतरीन है, जो फ्लो है पानी का बहुत ही बेस्ट है। ये पीपीएफ फिल्टर ओके है ऐसा हम मान सकते हैं। पानी बंद करने के बाद इसको वापस जोड़ देंगे, इसका जो पाइप निकाला था तो ये वापस लगा देंगे उस पाइप को, ये देखिएगा इस पाइप को। लेकिन उसके बाद पानी कहाँ, सेडिमेंट अपने प्री कार्बन में जाएगा, यहाँ से पानी घूम के इस प्री कार्बन में पानी आएगा। तो इस प्री कार्बन को हम चेक करेंगे, प्री कार्बन का पानी हमारे एसवी की तरफ जाता है ना, तो उस पाइप को निकाला और पानी चालू करके देखिए इसका भी थ्रो अच्छा है पानी का, ये भी फिल्टर ओके है, ये प्री कार्बन है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये पाइप निकाल कर हमारा जो एसवी है ना, तो उसका पाइप जोड़ देंगे ये देखिए, और अब एसवी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये एसवी जो है ना, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ से पानी सीधा प्री कार्बन से एसवी की तरफ गया है, ये देखिए ये अंदर है, और उसका जो बूस्टर पंप की तरफ से जाने वाला जो कनेक्टर है ना, उसको रिमूव करेंगे ये देखिए, और एसवी एक बार चेक करेंगे। एक बार एसवी चेक हो गया तो बूस्टर पंप चेक करेंगे। दोस्तों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक नतीजे तक जाना है, मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम है या फिर एफआर का प्रॉब्लम है,
लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में एक आध दूसरा फिल्टर ख़राब हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है और हम आगे वाला स्पेयर रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, कस्टमर नाराज़ होता है बाद में। अगर क्या होता है, अभी पहले देखेंगे एस वी का फ्लो, देखें ये देखिए एस वी का फ्लो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। ये देखिए एस वी को भी हम वापस जोड़ देंगे क्योंकि एस वी भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, सभी फिल्टर्स हम क्यों चेक कर रहे हैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि अगर हमारा मेम्ब्रेन ख़राब होता है तो हम मेम्ब्रेन रिप्लेस कर देंगे या फिर एफ आर रिप्लेस कर देंगे। और जो बीच वाले एक आध दूसरा भी फिल्टर अगर थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत ओके है, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा अगर हो रहा है तो बाद में क्या होगा, थोड़ी दिन में मतलब एक दो दिन या फिर एक दो महीने के बाद ये बीच वाला फिल्टर ख़राब हो जाएगा। तो कस्टमर हम टेक्नीशियन के ऊपर नाराज़ हो जाता है, यार एक दो महीना भी नहीं हुआ फिल्टर फिर से ख़राब हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी फिल्टर्स चेक करने पड़ते हैं। और अगर आप भी घर में खुद चेक कर रहे हैं तो आपको भी सभी फिल्टर्स चेक करना ही बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ से अभी निकालेंगे क्योंकि एस वी का पानी सीधा पंप की तरफ आया है और पंप का पानी ये सीधा यहाँ आया है। तो ये पंप का पाइप निकाल दिया और चालू करते हैं पानी और अपना वाटर प्यूरीफायर दोनों भी चालू करेंगे तभी पानी आएगा ना यहाँ। तो अभी देखिएगा, ये देखिएगा पंप का थ्रो भी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन थ्रो है पंप का, ये देखिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो पाइप है ना, इस पाइप के मुंह पर थोड़ी उंगली लगाकर दबा देना है, बैक प्रेशर देना है थोड़ा। पंप को बैक प्रेशर दोगे ना तो पंप एक बहुत ही बढ़िया प्रेशर आपको दे देगा, क्योंकि उसके अंदर का जो हेड होता है, हेड के अंदर जो रबर वाला जो क्या बोलते हैं एक वाल होता है, तो उस वाल को ऑपरेट करने में या फिर उसको रिलीज़ करने में मदद होती है अगर हम उसको बैक प्रेशर देते हैं ना। इसलिए बैक प्रेशर देना है, और ये बैक प्रेशर देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो उंगली है हटनी चाहिए, तभी पंप प्रॉपर वर्किंग करता है ऐसा आप मान सकते हैं। हटनी मतलब पूरी नहीं हटेगी लेकिन पंप हटाने की कोशिश करेगा। इस पाइप को दोबारा से लगाने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इस आर ओ मेम्ब्रेन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसको खोलने से पहले वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। अभी हमें कन्फर्म हो गया कि पंप से जो प्रेशर है प्रॉपर प्रेशर जा रहा है, तो ये प्योर की पाइप निकाल देता हूँ और अभी प्योर भी चेक करेंगे किस तरह से आ रहा है और रिजेक्ट भी चेक करेंगे। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं रहा है कि पानी है या नहीं है बूस्टर पंप के आगे। बूस्टर पंप के आगे आर ओ मेम्ब्रेन को पानी मिलता है बहुत ही बेहतरीन प्रेशर के साथ मिलता है, तो अब हमें एक नतीजे तक पहुँचने में मदद मिलेगी। देखिए प्योर वाटर आने लगा, प्योर वाटर आने लगा, इसके साथ साथ रिजेक्ट वाटर भी आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्पीड है इसका भी, अच्छा स्पीड है, इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन चल सकता है। इसके ऊपर एक घंटे के अंदर अपना प्यूरीफायर भरेगा। और ये देखिए रिजेक्ट वाटर वैसी हालत है जैसे पहले थी, और ये प्योर वाटर देख सकते हैं, प्योर वाटर का फ्लो इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन चल सकता है, कोई बात नहीं है, मेम्ब्रेन रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अभी ये जो एफआर है, एफआर के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे डाउट है, एफआर ब्लॉक हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर चेक करेंगे वाटर प्यूरीफायर बंद करने के साथ साथ इसको खोल देंगे। ये देखिए इसको खोल दिया, और खोलने के बाद वाटर प्यूरीफायर फिर से चालू करेंगे और देखेंगे कि पानी आता है या नहीं आता है। फिर और एक बार ऐसी हालत, पानी नहीं है, क्या हुआ होगा, एक बूंद 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 आता है दोस्तों, ये इस बूंद से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये देखिए मुझे अंदर एक एफआर दिख रहा है, देखिए अंदर की साइड में मतलब डबल एफआर लगा हुआ है इस वाटर प्यूरीफायर को। इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन हटाने के साथ ये देखिए इस पाइप को अंदर से खोल के लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें रिप्लेस करने में आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए खोल के बाहर ले लिया, और इसको बाहर लेने के बाद ये जो एफआर है इसको हटा देते हैं और सबसे पहले नया एफआर लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है 100% मुझे लग रहा है इसका ही प्रॉब्लम है।
यहाँ नया FR लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस पुराने FR को फेंक देते हैं और एक नए वाला FR लेते हैं। ये देखिए ये नया वाला FR है, इसको लगा देंगे और ये पुराना वाला अपना, तो नया वाला लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये लगा दिया और ये आगे वाली पाइप छोटी वाली जो है इसको लगा दी। और अभी वाटर प्योरीफायर चालू करके एक बार कंफर्म करेंगे कि ये पानी आ रहा है, रिजेक्ट वाटर आ रहा है। ये देखिए रिजेक्ट वाटर चालू हो गया और अपना वाटर प्योरीफायर प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने लगा। तो अभी कुछ डाउट बचा नहीं है, वाटर प्योरीफायर तो रिपेयर हो चुका है और इसको जोड़ देंगे हम जैसे पहले था वैसे जोड़ देंगे। दोस्तों पानी नहीं आता है उसके हर एक रीज़न होते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये FR का बात कर रहा हूँ तो FR का ही रीज़न होगा। आपको वन बाय वन चेक करना पड़ता है तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वाटर प्योरीफायर में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको एक बार वापस जोड़ देंगे उसी बॉडी कनेक्टर में जोड़ेंगे जहाँ से रिजेक्ट वाला पाइप या रिजेक्ट वाला पानी बाहर जाता है। देखिए यहाँ लगा देंगे तो ये पाइप जो है, तो इसको अभी डबल FR नहीं लगाएंगे हम, डबल FR की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उस टाइम का प्रॉब्लम अलग होगा जिस टाइम जिस टेक्नीशियन ने भी डबल FR लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा, वैसे ही ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए वाटर प्योरीफायर चालू, पिन लगाने के साथ साथ चालू हो गया, रिजेक्ट वाटर आने लगा है। रिजेक्ट वाटर आने लगा है और प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और जो अपना प्योर वाटर है वो भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। देखिए प्रॉपर तरीके से प्योर वाटर भी आ रहा है। तो इस तरह से ये वाटर प्योरीफायर रिपेयर हो चुका है, प्योर वाटर आने लगा है, रिजेक्ट वाटर आने लगा है। दोस्तों अगर आपका वाटर प्योरीफायर इस तरह से प्रॉब्लम दे रहा है तो आप भी अपना वाटर प्योरीफायर रिपेयर कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह से देखा है तो। तो दोस्तों इसको वापस लगा देते हैं इस टैंक के ऊपर, इस पाइप को, और इस SMPS को भी सेट करने के बाद इसको एक बार चालू करते हैं। ये देखिए ये चालू हो गया और इसके ऊपर का जो बॉडी का सेफ्टी गार्ड है तो यही लगाने का बाकी है, तो ये बाद में मैं लगा दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।